जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह ने इशारों इशारों में अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम कोई साजिश नहीं रचते हैं, हम हमेशा अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहते हैं, मगर अरुणाचल में जो हुआ वो सही नहीं था। आरसीपी सिंह ने अध्यक्ष पद संभालते ही चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हमारी पार्टी किसी की पीठ में छुरा नहीं मारती है, साथ ही हम किसी को मौका भी नहीं देते हैं कि कोई हमारी पीठ में छुरा मार सके, लेकिन हमारे संस्कार को कोई कमजोरी न समझे, हमारे संस्कार बहुत मजबूत हैं, कोई हिला नहीं सकता। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को उनका उत्तराधिकारी चुना गया, यानी आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। खुद नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिया था, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने पाला बदलते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसके लेकर जेडीयू ने अपना विरोध जताया है। हालांकि बिहार में बीजेपी के सहयोग से बनी गठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कही जा रही है।